खबर लालकुआ से है, जहां खाद्य विभाग की टीम ने होली पर्व को देखते हुए विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान जनरल स्टोर, मिठाइयों की दुकान और डेयरी में व्यापक छापेमारी करते हुए खाद्य पदार्थ की जांच की गई, जिसमें चार दुकानों से गुजिया, पनीर और किशमिश के सैंपल लिए गए। इसके अलावा डेयरी दुकानों का लाइसेंस नहीं होने पर दुकानदार का चालान किया गया। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। तो आज हम आए तो अभी हमने चेक किया है, तो अभी हमने डेयरी पर पनीर की सैंपलिंग की है। विदाउट लाइसेंस मिला था तो विदाउट लाइसेंस चालान किया है। और अभी हम घर की दुकानों पर कर रहे हैं। एक जगह गंदगी थोड़ी दिखाई दे रही है, तो इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं, समय देंगे सुधार करने के लिए। हमने सुधारेंगे और कार्रवाई की है।